एक्स्ट्रा लगा है वीडियो शूट करना है। और खाना खाने के बाद ना मुझे ये कोलैबोरेशन में आया था जो डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एटलीस्ट आफ्टरनून के बाद इसको यूज़ करना और पीना। और ये रहा डॉक्टर राशेल का प्रोडक्ट, दिस इज़ अ सीरम। तो मैंने इसको यूज़ तो किया था बट इसको ठीक से पढ़ी नहीं थी, तो नाउ मैं इसको रीड कर रही हूँ कि भाई ये लोगों ने क्या क्लेम किया है और मुझे क्या बेनिफिट मेरे फेस पे देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहले पैकेजिंग आर सो क्यूट और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगी थी ये, तो काफ़ी अच्छा था। एकदम क्लियर वाला सीरम है जो विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड का था। तो इसका रिव्यू डेमो ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुकी हूँ, गो एंड चेकआउट। और ये रहा मेरा लुक, मैंने मेकअप नो मेकअप लुक किया था कुछ इस तरह से। सो आई एम लुक प्रीटी है ना, सही कह रही हूँ ना? अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी रियल आई से है बट नहीं, ये एक्चुअली मेरे लेंसेज से जो मैं एक्वा कलर से मंगाती हूँ। दिस शेड इज सिल्वर ग्रे कलर का ये शेड है। मैंने इसको वेयर कर लिया था और शूट करना भूल गई थी बट कोई नहीं, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंट दिखता है। तो दिस इज माई रियल आईज, ओह माई गॉड कितना डिफरेंट है ना, एक लेंस पूरे लुक में चेंजेस कर देती है। मैं दूसरा उतार के भी दिखाती हूँ, ये दिखावा है, दिखावा गाइस।
देखो ये मेरी रियल शक्ल कितना डिफरेंट हो जाता है यार, अब क्या कर सकते हैं, सूरत ही ऐसी है। मैं प्राइस एंड ऑल शेयर करती हूँ। दिस इज़ अ पैकेजिंग, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी वाली पैकेजिंग है ये। इसमें ये सारे शेड अवेलेबल मिलते हैं, बट मैं जो यूज़ करती हूँ वो सिल्वर ग्रे है। इसमें आपको मतलब पावर वाले विदाउट पावर वाले दोनों मिल जाते हैं। ये विदाउट पावर के हैं। इसमें 6 मंथ की वारंटी के साथ है, मतलब 6 मंथ ये इजीली चल जाएंगे। ऐसे ये कांच की बोतल में आपको लेंसेस आते हैं। ओके, ये 2 बोतल थी। और साथ में ना मेरे को ये थोड़े से टूल्स मिले थे जिससे आप लेंस को पकड़ सकते हो और उसके ऊपर रख कर आप उसको वियर कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, और साथ में ये मैंने अब तो यूज़ नहीं किया बिकॉज मैं इससे यूज टू नहीं हूँ, और आपको एक्वा लेंस की तरफ से ये लेंस सॉल्यूशन मिलता है। तो दीजिए 600 रुपये में ये पूरा कॉम्बो था। शाम होते होते ना नींद का खुमार ही अलग से चढ़ने लगता है, बट अभी भी मेरा काम हुआ नहीं। अभी तो सिर्फ मैंने कुछ वीडियो शूट की, कुछ रील्स बनाई हूँ। अभी मेरा जो हेयर कट के लिए मैंने मेहंदी भिगो कर रखी थी, उसे लगाना है। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं और उसके बाद में फिर मेहंदी लगाते हैं। और मैं मेहंदी लगाते लगाते आपसे बात करती हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, क्या खाऊँ देखते चलो। तो फटाफट मैं चेंज करके आती हूँ और आप लोगों के साथ में बात करते करते मैं मेहंदी लगा लूँगी, बिकॉज़ कल जिम भी जाना है तो जल्दी भी सोना होगा और सुबह जल्दी उठ के मुझको हेयर वॉश भी करना होगा बिकॉज़ मैं रात भर रखूँगी। वैसे भी गर्म हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को मेहंदी रात भर रखने से कुछ प्रॉब्लम होंगी, मेरे को पहले भी नहीं होती थी। एंड यू कैन सी राइट नाउ माय हेयर, ओ बुरा फजाक रहा है। इसको पहले क्लीन करना होगा, दिख रहे 1 से 2, 2 से 4, ओ माय गॉड जवानी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो बहुत हो गया मजाक, मैंने अपना मजाक बहुत उड़ा ली। सो मैं आपसे मिलती हूँ चेंज करने के बाद। सो ये अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है, सुबह तक पूरा फेस रेड हो जाएगा मेरा। सो जो भी एक्स्ट्रा लगा है क्लीन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। सो ये अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है, और ऐसी बहुत सारे मैंने बना के रखे हैं DIY, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गौर से देखो इनको, ये लोग अभी सो रहे हैं बिकॉज ये लोग रात भर जागेंगे और मुझे भी सताएंगे, बट मैं भी इन लोग को आज सताने वाली हूँ कुछ इस तरह से। बस ये लोग का रिएक्शन देखना आप लोग, कितने आराम से सो रहे हैं, देखो कैसे इंसानों जैसे सो रहे हैं ये लोग। नाउ अब आएगा ना मज़ा। I have something. Look. Then my head hit the wall. Don't let me check out the deco. अरे बाप रे, पानी खड़ा हो गया कि भाई कौन आ गया हमारे घर में। टाइम टू स्लीपिंग, ये पुराना वाला बिग बॉस का था क्योंकि विनर तो अनाउंस हो चुका है। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करें मेरे व्लॉग्स को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात।